ओके, हैदराबाद सिटी पुलिस, नॉर्थ जोन और टास्क फोर्स के तरफ से एक सेंसेशनल मर्डर फॉर केन केस का डिटेक्शन हुआ। यह केस तिरुमलगिरी पुलिस स्टेशन लिमिट में हुआ था, जिसमें कि अक्यूज्ड तोटा नरेंद्र रेड्डी एज 44 इयर्स और ये अक्यूज्ड है जिसने अपने कजन ब्रदर का मर्डर किया, जिसका नाम है तोटा विजय भास्कर रेड्डी। इसमें एक फायर आर्म का यूज हुआ, जो एक लोकल कंट्री मेड वेपन। ये लोग दोनों जमीन के बिजनेस में एजेंट का काम करते थे और उस सिलसिले में कमीशन कमाते थे। इनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग उसी कमीशन के बीच में शुरू हुआ और उसके बाद ये अक्यूज्ड तोटा नरेंद्र रेड्डी 30,000 रुपीज में वेपन खरीद के मध्य प्रदेश से, और उसके बाद ये प्लानिंग कर उसके घर गया और उसको उसके साथ उस गाड़ी में बैठकर कुछ समय दूर आने के बाद एक स्टोरी बताया कि कोई कमीशन एजेंट उससे मिलने वाला है और उसके बाद ये मर्डर किया गाड़ी में ही। अभी तक के रिकवरी के मुताबिक 2 फायर आर्म कंट्री मेड पिस्टल, 3 लाइव राउंड, 3 एम्प्टी राउंड, कैश 7,20,000 रुपीस और एक ब्लैक कलर बैग का रिकवरी हुआ। इसमें लॉस ऑफ कमीशन मेन मोटिव है। प्लॉट सेल में जो कमीशन होता था उसका लॉस के कारण ये इंसिडेंट हुआ। और इसमें एक और नाम आया है जिसमें कि वेपन बाहर से खरीदा गया, क्या नाम है अतन पेरू, राम कुमार, सो फ्रॉम मध्य प्रदेश। सो दैट उसका इन्वेस्टिगेशन अभी बाद में हम लोग करके आपको डिटेल बताएंगे। इस पूरे ऑपरेशन में हमारे डीसीपी नॉर्थ जोन कलमेश्वर, डीसीपी टास्क फोर्स राधा किशन और उनके साथ पी नरेंद्र रेड्डी एसीपी बेगमपेट, के नागेश्वर राव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स, श्रवण कुमार एसएचओ तिरुमलगिरी, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर परमेश्वर, श्रीकांत अशोक रेड्डी, शिवनंदन और नॉर्थ जोन टास्क फोर्स के सभी टीम मिलकर ये अच्छा काम किए। इस केस में एविडेंस सबसे बड़ा ये है कि बुलेट जो कि पोस्टमार्टम के समय डिसीज्ड के सर से निकला, उसका कैलिबर, उसका आइडेंटिफिकेशन जो राउंड्स अक्यूज्ड के पास से बरामद हुआ उससे मैच हो रहा है, और अक्यूज्ड के पास से जो वेपन मिला उसका आइडेंटिटी भी मैच कर रहा है। सीसीटीवी फुटेज का भी एविडेंस है और सेलफोन लोकेशन भी दोनों का एक साथ बताता है, जो कि इसमें एविडेंस है। थैंक यू।